सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे न्यूज चैनल F24 न्यूज को और दबाए घंटी का बटन सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज वीडियो देखने के लिए। वेलकम टू F24 न्यूज। जातीय हिंसा के बाद आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान हो चुका है। थाने में ट्रेन रोकी गई, पूरे राज्य में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नए साल में महाराष्ट्र जातीय हिंसा में झुलस गया। सोमवार को पुणे के पास भीमा कोरेगांव लड़ाई की 220 सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में दो गुटों की हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई। इसके बाद जातीय हिंसा मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर जैसे 18 शहर तक फैल गई है। बुधवार को कोंभारी बहुजन महासंघ समरा महाराष्ट्र, डेमोक्रेटिक फ्रंट महाराष्ट्र, लेफ्ट फ्रंट समेत 250 से ज़्यादा दलित संगठनों ने बुधवार को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। इसके बाद से पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह थाने में प्रदर्शन और ट्रेन रोक दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां 4 जनवरी तक एक धारा 144 लागू कर दी गई है। सुबह 8:30 बजे के हम अपडेट्स आपको बता देते हैं। मुंबई के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घाटकों पर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चौकसी बरती जा रही है। थाने रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने ट्रेन को रोक दिया था। पुणे हिंसा के 10 बड़े अपडेट्स हम आपको बता देते हैं। नंबर एक, जिग्नेश उमर खालिद के खिलाफ शिकायत। पुणे पुलिस स्टेशन में जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के FIR दर्ज की गई। इसके मुताबिक इनके बयानों के बाद दो समुदायों में हिंसा भड़की। मर्दों, मायावती बोली ये BJP RSS की साजिश है। BSP चीफ मायावती ने कहा महाराष्ट्र में कार्यक्रम के दौरान सरकार को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी, BJP की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ये BJP का षड्यंत्र है। इसके पीछे BJP RSS और जातिवादी षड्यंत्र ताकतों का हाथ है। ये नहीं चाहते कि दलित वर्ग के लोग अपने इतिहास को बरकरार रखें। ये नहीं चाहते कि दलित सम्मान और गर्व के साथ जिंदगी बिताए। जानबूझकर हिंसा कराई गई है। बंद की अपील की गई। दलित लीडर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने हिंसा शख्स की मौत के विरोध में बुधवार को एक दिन के लिए महाराष्ट्र बंद की अपील की है। इसी पर राहुल का ट्वीट आया। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, RSS और BJP की सोच यही रही कि दलित भारतीय समाज के निचले पायदान पर ही रहें। ऊना में रोहित वेमुला और अब भीमा कोरेगांव इस सोच के विरोध का मजबूत संकेत देते हैं। 500 लोगों से पूछताछ की गई। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कई जगहों से करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। वैसे थाने में प्रोटेस्ट, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया और सड़क जाम की। चेंबूर में बढ़ी सिक्योरिटी। मुंबई के चेंबूर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मराठ स्पेशल ट्रेन सेवा CSMT कुर्ला के बीच हार्बर लाइन पर स्पेशल ट्रेन सर्विस दी गई है। सेंट्रल रेलवे की दूसरी सर्विसेज नॉर्मल हैं। मुंबई में जाम हो चुका है। मुंबई में प्रोटेस्ट के चलते देवनार और दूसरे कई इलाकों में जाम लग चुका है। इसके अलावा चेंबूर, विक्रोली, कंजूर मार्ग, घाटकोपार, भांडुप में दलित समाज ने प्रदर्शन किया। हिंसा के विरोध में दुकानों को बंद कराया गया है। जबरदस्त दो हिंदू संगठनों पर केस किया गया है। हिंदू लीडर भिड़े गुरुजी के शिवराज प्रतिष्ठान और मिलिंग एक बोटे के समस्त हिंदू एकता अघाड़ी पर पुणे में केस दर्ज किया गया है।